with time, variable with time. तो अब बात यह है कि अगर वेरिएबल है ये टाइम के साथ, तो टाइम के साथ अगर ये वेरिएबल है तो ये तो ऑलरेडी हमने सारी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप क्या करते थे, आप डिस्प्लेसमेंट को लिखते थे, डिस्प्लेसमेंट को आप लिखते थे क्या लिखते थे, ds by dt is equals to velocity, या फिर आप एक्सेलरेशन को लिखते थे dv by dt, या फिर आप एक्सेलरेशन को vdv by dx, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखते थे और इससे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी डील कर लेते थे. लेकिन यहाँ पे स्पेशली ऐसा क्या है कि हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक सेपरेट चैप्टर बना के या सेपरेट चैप्टर की तरह उसको पढ़ाया जा रहा है. तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो भी मोशन पैरामीटर्स होते हैं, ऑल द मोशन पैरामीटर्स लाइक योर डिस्प्लेसमेंट, लाइक योर वेलोसिटी, लाइक योर एक्सेलरेशन, ये सारे टाइम के साथ किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये साइनोसॉइडली बिहेव करते हैं. दे आर बिहेविंग साइनोसॉइडली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन टू. सो अब अगर यहां पे हम बात करें कि टाइम के साथ ये साइनोसॉइडली वेरी करते हैं, तो पहले तो ये जान लें कि साइनोसॉइडल होता क्या है. ठीक है, साइनोसॉइडल क्या होता है, साइन या कॉस फंक्शन. साइन या कॉस फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, साइन कॉस फंक्शन समझते हैं. साइन कॉस फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू से साइन एक्स या वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इनकी नेचर कैसी होती है, इनकी नेचर ये होती है कि ये नेचर में कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं. मतलब हर एक सर्टेन टाइम इंटरवल के साथ क्या करते हैं, हर सर्टेन इंटरवल के साथ ये अपने आप को रिपीट करते हैं. मतलब दे गोज टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड टू द नेगेटिव एक्सट्रीम वैल्यू ऑल्सो, और हर बार इनका जो ये इंटरवल है वो क्या होता है, फिक्स होता है. तो दे आर साइनोसॉइडल इन नेचर. इसी तरह से हम कॉस में देखें तो कॉस फंक्शन कैसा होता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर जीरो पे जाता है, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर जीरो पे, फिर निगेटिव एक्सट्रीम पे. तो अब ये एक स्पेशल नेचर हो गया, स्पेशल नेचर हो गया इन द सेंस कि साइन या कॉस फंक्शन है ये पीरियोडिक है नेचर में, पीरियोडिक है, बार बार अपने वैल्यूज को, बार बार अपनी नेचर को रिपीट कर रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. और यही पर्टिकुलर नेचर किसका है, SHM का भी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी जो कंडीशन है, कंडीशन की बात हम अभी बाद में करेंगे, लेकिन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसके भी मोशन पैरामीटर टाइम के साथ क्या करते हैं, एक सर्टेन इंटरवल के साथ वेरिएशन उनका क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न में होता है. तो जब सर्टेन पैटर्न में हो जाएगा तो हमारे लिए चीजों को डील करना ज्यादा ईज हो जाएगा. मतलब हमें हर बार ये इक्वेशंस बना के या हर बार मुझे वी डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी टी लिख के उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. रेदर देन वी विल सिंपली मेक अ टूल और द रिजल्ट्स जिसको हम डील करके क्या कर सकते हैं, इसके मोशन पैरामीटर्स को आराम से निकाल सकते हैं. तो अब बात यह है कि कंडीशन क्या होती है, अगर साइनोसॉइडल फंक्शंस आ भी रहे हैं तो कंडीशन क्या होती है SHM की. तो सबसे पहले तो कंडीशन ऑफ SHM में अगर हम बात करें तो कंडीशन ऑफ SHM में जो पहली चीज आपको देखने को आएगी कि ये किस तरह के मोशन होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन. सो टू एंड फ्रो मोशन इज नॉट, टू एंड फ्रो मोशन इज द कंडीशन बट नॉट ओनली द कंडीशन कि भाई टू एंड फ्रो मोशन होगा तो SHM हो जाएगा. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक पार्टिकल है और वो किसी पॉइंट के अबाउट दूर गया, एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर पास आया, फिर मिडिल पे पहुंचा, फिर एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर पास आया, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है. लेकिन ये टू एंड फ्रो मोशन SHM हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन होना जरूरी है SHM का, बट हर टू एंड फ्रो मोशन SHM हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है. सिमिलरली अगर हम बात करें एंगुलर की, कि भाई एक जैसे मान लीजिए पेंडुलम टाइप की चीज है, उसको हमने क्या किया, शिफ्ट किया और छोड़ दिया. अब इसको शिफ्ट करके अगर आपने छोड़ दिया तो क्या हुआ, इसका भी मोशन कैसा है, टू एंड फ्रो मोशन है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से वापस आ रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है और फिर इस तरह से वापस आ रहा है. ठीक है, तो टू एंड फ्रो मोशन और आई शुड से पीरियोडिक मोशन, ये क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है. ठीक है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो टू एंड फ्रो मोशन डेफिनेटली वो होगा. दूसरी बात इसके लिए, अब अगर मैं बात करूं तो दो तरह के हमने टू एंड फ्रो मोशन देखे या पीरियोडिक मोशन देखे, एक कैसा है, एक है लीनियर और एक कैसा है, एक है एंगुलर. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ लीनियर SHM, लेट अस से
या लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन की बात करें, तो सबसे पहले तो लीनियर SHM की अगर हम बात करें, तो एनी पीरियोडिक मोशन, फॉर एनी पीरियोडिक मोशन, सपोज कोई बॉडी है जो किसी x इक्वल्स टू जीरो के अबाउट क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन कर रही है, और इसको मैं बोल रहा हूँ लीनियर, लीनियर पीरियोडिक मोशन। तो इसके अबाउट सपोज करिए वो पीरियोडिक मोशन कर रही है, इस पॉइंट पर उस पर नेट फोर्स है से जीरो, और आपने कुछ वेलोसिटीज को प्रोवाइड कर दी, जिस वेलोसिटी की वजह से ये इस तरफ जा रहा है, किसी एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, सो दिस इज एक्स मैक्स, और उसके बाद ये वापस आ रहा है। अब इसकी वापस आने की कंडीशन क्या होगी, अगर इसके पास कुछ वेलोसिटी है इस पॉइंट पे से वी नॉट, तो इसकी वापस आने की कंडीशन ये होगी कि इस पर कुछ रिटार्डेशन लगनी चाहिए, तभी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 किसी एक्सट्रीम तक पहुंच के जीरो होगी, और फिर ये वापस आएगा। ऐसे ही जब ये यहाँ पर वापस आएगा तो इस तरफ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, जब यहाँ पे जाएगा तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे भी इसके पास इस नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाने के लिए भी इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक रिटार्डेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसको एक पीरियोडिक मोशन बनाना चाहूं तो इस पे एक रिटार्डेशन लगने चाहिए, जो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए तो किस डायरेक्शन में हो, नेगेटिव डायरेक्शन में, और एक्स लेस देन जीरो के लिए किस डायरेक्शन में हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि फोर्स भी अपोजिट होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब देखो यहां से देखें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट हम यहां मेजर कर रहे हैं और फोर्स हमें यहां चाहिए रिटार्डेशन के लिए, बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे इस पॉइंट को रेफरेंस मान के अगर आपने डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिया तो आपको रिटार्डेशन इस तरफ चाहिए, इसका मतलब फोर्स भी मुझे इसी तरफ चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स, इफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स टू द पावर एन, पावर तो कुछ भी हो सकती है, बस हमें ये चाहिए कि अपोजिट टू एक्स हो, अपोजिट टू क्या हो जाए, एक्स हो जाए, एक्स टू दी पावर एन के अगर प्रोपोर्शनल है तो क्या ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्या ये अपनी जो जिस एक्स इक्वल्स टू जीरो को मैं बोल रहा हूं इस पोजीशन को क्या रिस्टोर कर पाएगा, इज दिस फोर्स इज रिस्टोरिंग इन नेचर और नॉट। तो अब देखें, अगर मैं कह रहा हूं कि ये माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, चाहे वो एक्स माइनस एक्स हो, चाहे वो माइनस एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो माइनस एक्स क्यूब हो, चाहे वो माइनस एक्स टू दी पावर फाइव हो, इन सारी की सारी वैल्यूज के लिए फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट टू एक्स लग रहा है। लेकिन एक दिक्कत ये हो गई कि अगर मान लीजिए एन की वैल्यूज क्या हुई, अगर ये पावर्स क्या हुई, ऑड हुई, तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये पावर इवन हुई, इफ एन इज इवन, तो क्या हो जाएगा कि इफ एक्स इज नेगेटिव तब भी फोर्स क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, आएगा या नहीं। मान लीजिए इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा फोर्स इज इक्वल्स टू से माइनस ऑफ सम एक्स स्क्वायर, अब आपने पता चला एक्स की वैल्यू क्या रखी, से माइनस टू रखी, फोर्स भी क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है माइनस फोर, तो क्या हो गया, तो ये हो गया कि एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब इस रीजन में आपकी वेलोसिटी भी इसी तरफ थी, फोर्स भी इसी तरफ आ रहा है, तो ये कभी अपने आप को रिस्टोर कर ही नहीं पाएगा, ये तो हमेशा चलता चला जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये आई कि अगर मुझे रिस्टोरिंग फोर्स बनाना है तो रिस्टोरिंग फोर्स, जस्ट अ मिनट, रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी proportional to minus of x to the power n where n is odd, where n is odd, क्योंकि odd होगा तो क्या हो जाएगा, odd हो जाएगा तो इसका nature restoring हो जाएगा, right? अब odd के लिए कौन कौन सी पावर हुई, फिर odd के लिए पावर हो गई आपकी f should be proportional to minus x, और f should be proportional to say minus x cube, और f should be say proportional to minus x to the power 5, ये सारी पावर्स के लिए जो फोर्स होगा वो रिस्टोरिंग होगा नेचर में, और जो मोशन होगा, जो मोशन होगा वो कैसा होगा, मोशन, वो मोशन होगा आपका पीरियोडिक, बट अभी भी ये पीरियोडिक मोशन SHM नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि SHM के लिए कंडीशन कौन सी चाहिए, SHM के लिए कंडीशन तो यही है कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू रिस्टोरिंग होना चाहिए, बट जो जैसे मैंने बोला कि इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए कहते हैं कि मोशन पैरामीटर्स जो है वो कैसे आते हैं, साइनोसॉइडल, तो हर पावर के लिए मोशन पैरामीटर साइनोसॉइडल नहीं आएंगे, लेकिन अगर पावर क्या हुई, वन, वन मतलब इफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स,
अगर ये कंडीशन हुई, मतलब हम कह सकते हैं एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इफ दिस कंडीशन विल फुलफिल, देन इसके लिए अभी हम इक्वेशंस ड्राइव करेंगे और हम क्या देखेंगे कि जितने भी मोशन पैरामीटर्स आते हैं इसके लिए, मोशन पैरामीटर्स वो टाइम के साथ कैसे वेरी करते हैं, वो टाइम के साथ साइनोसॉइडली वेरी करते हैं, साइनोसॉइडली वेरी करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर मोशन को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एक्सलेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स और फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है आपका जो भी आपने मीन पोजीशन मानी है जहां पर 4-0 लिया था उस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स है आपका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन कहने का मेरा मतलब है जहां पे हमने फोर्स को, जहां पे हमने रेफरेंस माना था, जहां पे हमने क्या लिया था, फोर्स को जीरो लिया था। नोट कर लो इसको बच्चों, ओके। नाउ सी, आई गॉट वन कंडीशन फॉर विच आई एम सेइंग दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, और चूंकि हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं जिसके लिए एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो, फोर जीरो मान रहे हैं, किसी एक्स पोजीशन पे आप फोर्स को क्या ले रहे हैं, फोर्स को ले रहे हैं माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने इवन पावर को डिस्कस किया था तो आपको क्लियर पता था इवन पावर के लिए ये एक्स लेस देन जीरो के लिए फोर्स क्या हो जा रहा था, रिस्टोरिंग नहीं था नेचर में, इसीलिए आपने ऑड पावर ली। तो अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहूं तो एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, एंड आई हैव टू मेक श्योर, चूंकि आपको एक्सलेशन क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए एक्स पॉजिटिव के लिए, तो आई हैव टू मेक श्योर कि जो कॉन्स्टेंट मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगाऊं वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव, नहीं तो पूरी एनालिसिस ही गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ रहे हो, एक मिनट, जैसे मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक्सेलरेशन सपोज करिए आपका है माइनस टू एक्स, तब तो समझ में आता है एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्स नेगेटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब अगर ये जो कॉन्स्टेंट मैं जोड़ रहा हूं अगर यही नेगेटिव हो जाए तो पूरी एनालिसिस ही चेंज हो जाएगी। तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो जो कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो मैं उसको k ना लिख के क्या लिख ले रहा हूँ, मैं उसको कुछ ऐसे स्क्वायर लिख ले रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर टर्म जब लिखते हो आप तो स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, तो जस्ट उसको ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। उस टर्म की कुछ मीनिंग भी निकलेगी बाद में, लेकिन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये समझना है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे होना है उसको हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने उसको ओमेगा ना लिख लिया, के ना लिख के क्या लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो दिस इज नाउ द एक्सेलरेशन फॉर एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इससे मोशन पैरामीटर्स ड्राइव करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मोशन पैरामीटर्स कैसे ड्राइव करें, दूसरी बात, यहां पर मैं एक्सेलरेशन और एक्स पे वेक्टर लगा रहा हूं, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं लीनियर एसएचएम की, तो लीनियर एसएचएम मतलब कैसा मोशन हुआ, 1D मोशन हुआ, इट इज अ वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन हुआ तो प्लस माइनस से काम चल जाएगा, अगर मैंने प्लस एक्स लिख दिया तो एक डायरेक्शन हो गया, माइनस एक्स लिख दिया तो दूसरा डायरेक्शन। यहाँ पे मुझे एक्चुअल में वेक्टर आई कैप जे कैप या पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसमें सिंपली प्लस और माइनस से अपनी कन्वेंशन ले सकता हूँ, राइट। तो अब मैं आगे से इस एक्सेलरेशन को कैसे लिख लूंगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स बिना वेक्टर लगाए, क्योंकि लीनियर एसएचएम की बात हो रही है, ठीक है। सो नाउ व्हाट आर द मोशन पैरामीटर्स, सो देखिए इसको मैं लिख सकता है, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर रिलेट करना हो तो कौन सी डिफरेंशियल फॉर्म लगेगी एक्सेलरेशन की, कौन सी डिफरेंशियल फॉर्म लगेगी, वी डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स, दैट मीन्स वी डीवी क्या हो गया, वी डीवी हो गया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स,
बस ये डेरिवेशन में लगा रहे हैं हम, हर बार नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करते हो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखते हो ना और सॉल्व करते हो, यहाँ पे हम बस इसको ड्राइव करने के लिए लगा रहे हैं, इसके बाद हमें फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसके बाद जो एक्सप्रेशन आएंगे वही काफी होंगे सारे मोशन पैरामीटर्स को सॉल्व करने के लिए, और यही एडवांटेज है जिसके लिए हम SHM सेपरेटली डील कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कैटेगरी में आ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब तो क्या, डिफरेंशियल फॉर्म लगा के सॉल्व कर ही सकते हैं, बट जस्ट टू अवॉइड दैट कि यहाँ पे एक पैटर्न मिल जाए मुझे और आगे की कैलकुलेशंस आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अब देखो यहाँ से क्या कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम सी डैश। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखो क्या है लीनियर SHM में, अगर आप देखें तो इस पोजीशन को मैं बोलता हूं मेन पोजीशन, जहां पर 4-0 है, दिस इज मेन पोजीशन। जो एक्सट्रीम पोजीशन है जहां तक ये जा रहा है, जो एक्सट्रीम पोजीशन है कौन कौन सी, x इक्वल्स टू XM एंड x इक्वल्स टू माइनस XM मैक्सिमम, इनको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब जो ये डिस्टेंस होती है मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक की, दे आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड ए के लिए ये पॉजिटिव एक्सट्रीम क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू प्लस ए, और नेगेटिव एक्सट्रीम क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है, तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब देखो एक बात तो पक्की है कि अगर मैं x इक्वल टू प्लस ए पे बात करूं या माइनस ए पे बात करूं, वेलोसिटी हैज टू बी जीरो, एक्सट्रीम है तो एक्सट्रीम तक पहुंचते तो वेलोसिटी जीरो होनी है, उसके बाद ही उसको लौट के आना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एट x इक्वल टू प्लस माइनस ए वेलोसिटी जीरो एंड इफ यू पुट इट हियर, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी डैश एज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड देन फाइनली यू विल गेट द वेलोसिटी एक्सप्रेशन एज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये मुझे वेलोसिटी एक्सप्रेशन मिल गया, मतलब v मुझे मिल गया प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी एक्सप्रेशन विच आई हैव गॉट बाय दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई सॉल्व करने में किसी को, बच्चे को कोई डाउट, यू कैन आस्क, रेज योर हैंड सो आई कैन अनम्यूट। मुझे एक एक्सप्रेशन मिला किसका, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, दैट वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी टर्म्स की बात मैंने नहीं करी, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन निकाला है, ठीक है, टर्म्स की बात बाद में करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म यहाँ पर डिफाइन करी है, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे मानते हैं, जहाँ जिसको मीन पोजिशन कंसिडर करते हैं, और एक्स इक्वल्स टू ए विच इज द एम्पलीट्यूड, राइट। नाउ वेलोसिटी आपके पास आ गई ओमेगा, तो वेलोसिटी आ गई आपके पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको dx by dt लिखना है तो प्लस साइन इसलिए ले लिया क्योंकि dx by dt अपने आप ही कंसिडरेशन में आ जाएगा, x घट रहा होगा तो नेगेटिव, x बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव, तो dx by dt अगर मैंने इसको लिखा तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt, लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए और ओमेगा के साथ dt को मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज आ गई। सर ए पर वेलोसिटी जीरो क्यों है, बेटा टू एंड फ्रो मोशन है ना, देखो लीनियर SHM है, ऐसे आप कह रहे हो कि एक पार्टिकल पीरियोडिक मोशन कर रहा है, जब आपने उसको एक्सट्रीम डिफाइन ही किया है तो एक्सट्रीम तक पहुंचते, एक्सट्रीम कब होगी कि उसके पार ना जा पाए, उसके पार कब नहीं जाएगा, जब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। जैसे आप मोशन अंडर ग्रेविटी में आप बोलते थे कि भाई ऊपर मैंने एक पार्टिकल फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, क्यों है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो,
क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तो तभी होगा ना जब उस पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो जाए, नहीं तो उससे भी ऊपर जाता। ऐसी चीज है कि अगर मान लीजिए x इक्वल्स टू a, जिसको मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, अगर वहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब उसके आगे भी जा सकता है। तो दैट मींस कंडीशन क्या लगी, कंडीशन ये तो लगी कि at x equals to x maximum, velocity has to be zero, है ना, obvious चीज है। Once is that clear? सर हमने c को ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर तो उस केस में लिया है जिसमें वेलोसिटी जीरो है। एवरी टाइम वेलोसिटी जीरो, हमने ये थोड़ी ना लिया है कि हर x पे जीरो है बेटे, मैंने लिया है x equals to plus minus a पे वेलोसिटी जीरो है, तो वो तो हर बार ही होगी ना। जब आपने ए को एक्सट्रीम पोजीशन बोली दिया है तो क्या हर बार उस पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी? जितनी बार भी पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू ए पे पहुंचेगा हर बार उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, जितनी बार भी पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू माइनस ए पे पहुंचेगा हर बार ही उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, राइट और नॉट? यू आर नॉट सेइंग कि एक्स इक्वल्स टू ए बाई टू पे या एक्स इक्वल्स टू जीरो पे या एक्स इक्वल्स टू ए बाई थ्री पे जीरो है, नो, आई एम सेइंग एक्स इक्वल्स टू ए एंड माइनस ए पे जीरो है, तो दैट हैज टू बी देयर बिकॉज अदरवाइज वो एक्सट्रीम होते ही नहीं, राइट? चलिए तो अब यहां पे आते हैं। अब देखो यहां पे आए, अब इसका मैं इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का। किस किस को पता है ये? No, you don't know. चलो अभी ड्राइव करते, तो दे आ गया आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, इसको लिख लिया आपने ओमेगा टी प्लस एक कॉन्स्टेंट लगा दिया, उस कॉन्स्टेंट को मैंने लिख दिया फाई, जैसे वहां पर सी लगाया था ऐसे यहाँ पे एक फाई लगा दिया। अभी मैं बताऊंगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए कैसे आया, अलग से बता दूंगा। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, जैसे वहां पर कॉन्स्टेंट लिखा था इंडेफिनिट इंटीग्रल में सी, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या लिख लिया आपने, कुछ फाई लिख लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहां से x क्या बन गया, x बन गया आपका a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। अब कुछ कुछ दिखने लगा कि पोजीशन जो है वो कैसा फंक्शन आ गया, साइन का फंक्शन आ गया, साइन का फंक्शन आ गया मतलब साइनोसॉइडल वेरी कर रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। x टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है, ठीक है। वहां पे c की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या किया था, चलो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दी फाई पहले मैं आपको इसका इंटीग्रेशन समझा दूं। तो यहां पे इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो लेट x इक्वल्स टू सम a साइन थीटा, ये कुछ मान लिया, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा आपका a cos थीटा dx by d थीटा। तो यहां से dx क्या हो गया, dx हो गया आपके पास a cos थीटा d थीटा। अब इसके बाद ये हो गया आपके पास a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी आ गया a cos थीटा, है ना। जस्ट पुट द वैल्यू, x को अगर a sin थीटा लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यस वन मिनट अभी करता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई थीटा, और अगर मैंने x बाई a को माना था sin थीटा तो थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा आपका सिंपली, क्या बन जाएगा थीटा, थीटा इज नथिंग बट इट विल बी सिंपली साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। एक मिनट यश क्या कह रहे हो, हाँ बेटे बोलो यश। सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप कैसे आया, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला। अगर साइन इनवर्स थीटा अगर होता है वाई, तो थीटा को साइन वाई लिखते हो, यस सर, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स को क्या लिखते हैं, साइन वाई लिख सकते हैं, बस वही चीज की है,
तो एक्स बाई ए हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, इसलिए एक्स क्या हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ठीक है, इस इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है. ओके ये इंटीग्रेशन क्लियर है ना बच्चों. चलिए अब इसके बाद ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. ये एक्सप्रेशन मैंने यहां से देख लिया, ड्राइव कर लिया. इस एक्सप्रेशन में भी एक कांस्टेंट लगाया था फाइव, उसकी भी वैल्यू निकालना चाहते हैं. अब जैसे मैंने वहां पे वेलोसिटी के केस में उस इंडेफिनिट इंडेफिनिट कांस्टेंट की जो कांस्टेंट लगाया था सी, उसकी वैल्यू कैसे निकाली थी गिवन कंडीशन से कि x इक्वल टू ए पे वेलोसिटी क्या है जीरो है. यहां पे कंडीशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, अगर मुझे फाई की कंडीशन निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल कहां से पास हो रहा है. ये x इक्वल टू जीरो पोजिशन थी, ये x इक्वल टू ए पोजिशन थी, ये x इक्वल टू माइनस ए पोजिशन थी. ये बात हर बार फिक्स है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये फिक्स है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि आप जब ये टू एंड फ्रो मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप टी का रेफरेंस क्या ले रहे हो. हो सकता है कि एक टू एंड फ्रो मोशन या SHM जब हो रहा हो तो आपने ये बोला कि एट टी इक्वल टू जीरो इट इज पासिंग थ्रू एक्स इक्वल टू जीरो, या एट टी इक्वल टू जीरो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, या आपने बोला कि ड्यूरिंग द मोशन एट टी इक्वल टू जीरो इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बाई टू एंड मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो टाइम का फ्रेम फिक्स नहीं है, मतलब हम कहां से अपनी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज फिक्स नहीं है. तो अगर ये चीज फिक्स नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इस फाई की वैल्यू भी हम क्या नहीं कर सकते, इस फाई की वैल्यू भी हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते. वहां पे तो फिक्स कर सकते थे सी की वैल्यू. ये देखो यहाँ पे जो सी लिखा था इसकी वैल्यू तो फिक्स थी, इस सी की वैल्यू तो हमेशा फिक्स थी सी डैश की. क्यों? क्योंकि हर बार ही वेलोसिटी को जीरो होना था तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल पाए. लेकिन यहाँ पे आप फाई की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे. क्यों? क्योंकि जब तक आपको इनिशियल कंडीशन या गिवन कंडीशन ना हो, जब तक कोई कंडीशन गिवन ना हो कि टी इक्वल्स टू जीरो पे या टी इक्वल्स टू टी बाई टू पे या टी इक्वल्स टू टी पे पार्टिकल यहाँ पे है, तब तक आप इस फाई को नहीं निकाल सकते. तो इसीलिए इस फाई को क्या बोलते हैं, इस फाई को बोलते हैं, दिस फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज. अब आप कहोगे सर इनिशियल क्यों बोलते हैं, इनिशियल इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं यहां पर टी को जीरो रख दूं तो जो भी उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की पोजिशन होगी, जो भी पोजीशन होगी उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास, फाई की वैल्यू आ जाएगी. आ जाएगी या नहीं? जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल्स टू ए एट टी इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, मतलब एक्सट्रीम से छोड़ा t इक्वल्स टू जीरो पे. तो अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगर अब मुझे क्या पता है, अब पता है मुझे x इक्वल्स टू a, तो मैंने x की जगह a रख दिया, दिस इज a साइन t. क्या हो गया, t हो गया आपका ओमेगा t, t जीरो है प्लस फाई, मतलब साइन फाई क्या आ गया, साइन फाई आ गया आपका वन, और वन आ गया तो फाई की वैल्यू क्या हो गई, फाई की वैल्यू हो गई पाई बाई टू. जहां पे आपको t के करस्पॉन्डिंग पोजिशन गिवेन हो वहां पे तो आप फिक्स कर सकते हो इसको, लेकिन हर पॉइंट पे मतलब इन जनरल फिक्स नहीं कर सकते हो. तो फाइव को हम क्या बोलते हैं, इन फाइव को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, जो किस पे डिपेंड करेगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन पे, आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, कहां पे आप टी इक्वल्स टू जीरो पे मोशन की कहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रही है. डिड यू गेट माई पॉइंट? ठीक है, तो अब कुछ नई टर्म्स भी इसमें आई है, जैसे कि एम्पलीट्यूड आया था, एम्पलीट्यूड हम समझ गए एम्पलीट्यूड क्या था, ए था. इसी तरह से फेज आया, फेज फेज किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल फेज पे. और रह गई एक बात ओमेगा की, कि ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो अब अपने पास टास्क ये है कि पहले हम एक्स को लिख लें और उसके अदर पैरामीटर्स निकालना, फिर वन बाय वन इसकी सारी की सारी टर्म्स को समझें कि एक्स का क्या मीनिंग है, ए का क्या मीनिंग है, ओमेगा का क्या मीनिंग है, फाई का क्या मीनिंग है. ठीक है, तो आई गॉट थ्री इक्वेशंस टिल नाउ. कौन कौन सी,
एक तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन ये है कि एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये किस किस के बीच का रिलेशन है? ये रिलेशन है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच का. दूसरी मुझे जो इक्वेशन मिली है वो इक्वेशन मिली है मुझे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच की. और तीसरी जो मुझे इक्वेशन अभी मिली है वो किस किस के बीच की मिली है? वो मिली है मुझे पोजीशन एंड टाइम के बीच की. तो अब एक काम और करते हैं. अब पोजीशन टाइम क्या हमें मुझे मिल गया, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ और रिलेशन निकालते हैं. इसको नोट कर लिया बच्चों? अगर इसको नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, और अगर इसमें कोई भी डाउट है कहीं भी तो यू कैन आस्क. डन डन यश ओके. सो नाउ वी गॉट वन इक्वेशन. देखो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो नेसेसरी कंडीशन थी ही. वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया था, और अब मेरे पास एक कंडीशन आ गई एक्स का टाइम के साथ. क्या आ गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. सो यू कैन पुट इन द एक्सप्रेशन और यू कैन सिंपली फाइंड आउट वेलोसिटी बाय डीएक्स बाय डीटी. तो dx by dt से देख लें, चाहे आप इस एक्सप्रेशन में रख दें, आपके पास क्या आ जाएगा? a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t plus phi आ जाएगा. भाई साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos, और ओमेगा t plus phi चेन रूल लगाएंगे तो ओमेगा t plus phi का टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक ओमेगा और आ जाएगा. राइट, साइन ओमेगा t plus phi का डिफरेंशिएशन हो गया cos ओमेगा t plus phi, और ओमेगा t plus phi का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? ओमेगा. तो ये आ गया a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t plus phi. दूसरा रिलेशन मिल गया. सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा? इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, dv by dt कर दो. तो ये क्या आ गया? ये आ गया माइनस ऑफ a ओमेगा स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा t plus phi. या डायरेक्ट ही अगर इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर देते तब भी सेम एक्सप्रेशन ही आता आपके पास. कैन यू सी दैट? ये नथिंग बट इट इज ओमेगा स्क्वायर x ओनली. So now you can see that all the three parameters x, v and a, jitne bhi motion parameters isse related, chahe wo displacement ho, chahe wo velocity ho, chahe wo acceleration ho, ye sare ke sare time ke sath kaise behave kar rahe hain? Ye sare ke sare time ke sath sinusoidally behave kar rahe hain. Matlab ye ek certain interval ke baad apni values ko, apne nature ko bar bar repeat kar rahe hain. Isiliye इस पर्टिकुलर मोशन को एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन में पढ़ा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल के. ठीक है. नाउ जैसे कि अब मैं सपोज करिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल लूं कि मैं इस फाई की वैल्यू की बात करूं. फॉर एग्जांपल इफ आई से एट टी इक्वल्स टू जीरो पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. अब बताओ मुझे टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल अगर x इक्वल्स टू जीरो पे है तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? या तो इस तरफ जा रहा हो या इस तरफ जा रहा हो, दोनों चीजें हो सकती है. तो मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि लेट अस से t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल x इक्वल्स टू जीरो पे था और लेट अस से उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, तब इसका फेस क्या होगा? तब इसका फेस क्या होगा? तो वेलोसिटी कहां पे थी? पॉजिटिव डायरेक्शन में थी. अब देखते हैं इसका फेस क्या होगा. तो मैंने लिखा एक्सप्रेशन ऑफ एक्स में जीरो इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी बन गया जीरो प्लस फाइव. तो साइन फाइव की वैल्यू क्या बन गई बच्चों? साइन फाइव की वैल्यू हो गई जीरो. अगर साइन फाइव की वैल्यू जीरो हो तो फाइव की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? जीरो हो सकती है और पाई हो सकती है, जीरो हो सकती है और पाई हो सकती है. तो इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई जीरो फिट हो रहा है या पाई फिट हो रहा है? उसके लिए आपको वेलोसिटी देखनी पड़ेगी. अब वेलोसिटी पे आते हैं. वेलोसिटी क्या था? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. तो अगर मैं एट टी इक्वल्स टू जीरो पे बात करूं तो ओमेगा टी तो बन गया जीरो, और ये क्या बन गई? ये बन गई ए ओमेगा कॉस फाइव. इफ यू पुट फाइव इज इक्वल्स टू जीरो व्हाट यू आर गेटिंग?
यू आर गेटिंग वेलोसिटी एज पॉजिटिव. अगर आपने फाई की वैल्यू पाई रखी होती तो वेलोसिटी क्या आती? नेगेटिव आती. तो आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑब्जर्वेशन आपकी फाई की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो जा रही है. मतलब कहने का मतलब यह है, अगर मैं इसमें दो कंडीशंस बनाऊं, दो कंडीशन इन द सेंस, इफ यू आर सेइंग कि पार्टिकल x इक्वल्स टू जीरो से पास हो रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो फाई की वैल्यू इसके लिए क्या आई? जीरो डिग्री आई. और आपकी इक्वेशंस कैसे कन्वर्ट हो गई? इक्वेशंस आपकी हो गई a sin omega t, फाई तो जीरो ही हो चुका है, वेलोसिटी क्या बन गई? a omega cos omega t, क्योंकि फाई की वैल्यू तो जीरो ही हो चुकी है. और एक्सलेशन आपका क्या बन गया? माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन चीजें चेंज होती हैं. ऐसे ही अगर ये ऑब्जर्वेशन पे हमने टी इक्वल्स टू जीरो पे मान लो ये माना होता कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तब आपकी फाई की वैल्यू क्या निकल के आती? पाई. और आपके पास इक्वेशन जो हो जाती वो इस तरह से हो जाती, माइनस ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी हो जाती आपकी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सलेशन हो जाता फिर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है सर, फाई की वैल्यू 2n पाई होना चाहिए. हाँ बेटे 2n पाई होना चाहिए, लेकिन आप एक साइकिल में देख रहे हो ना, क्योंकि अगली साइकिल तो फिर से पूरा रिपीटेशन है, सिमिलर रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे जनरल वैल्यू नहीं लोगे आप 2n पाई. यहाँ पे आपको जो भी फाई का फेस देखना है वो 0 से 2 पाई ही देखना है, बिकॉज आफ्टर एवरी टाइम इंटरवल इट बिकम्स अगेन द रिपीटेशन. तो आप ये देखो कि x इक्वल्स टू जीरो से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से वापस आया, वापस से फिर एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस आया, तब तक पूरी एक साइकिल जो चली है उसमें जो साइन के अंदर या कॉस के अंदर जो टर्म है वो कहां से कहां चेंज हुई है? जीरो से टू पाई. तो मैं टू एन पाई इसलिए नहीं लिख रहा हूं उस टर्म को, क्योंकि टू एन पाई लिखने का मतलब है मैंने फिर सारी साइकिल कंसिडर कर ली, उसका कोई फायदा नहीं है. एक साइकिल में जो बिहेवियर है वो हर साइकिल में बिहेवियर है. तो आप याद रखो हमेशा जो फाई की वैल्यू आपको चूज करनी है वो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में चूज करनी है. डिड यू गेट माई पॉइंट? यश यश, ये पॉइंट समझ में आया? आप जो बिहेवियर देख रहे हो वो हर साइकिल के लिए रिपीटेड है, रिपीटेड है. तो मैं फाई की वैल्यू सिर्फ जीरो से टू पाई के लिए देख रहा हूं, क्योंकि अगले बार आप फोर पाई भी लिखते तो भी सेम ही नेचर होता. मान लीजिए जैसे इसकी वैल्यू आई जीरो, तो अगली वैल्यू टू पाई होती, टू पाई विल बी बिहेविंग एज अ सेम जैसे जीरो बिहेव कर रहा है, फोर पाई भी वैसे ही बिहेव करेगा. मान लीजिए फाई की वैल्यू आई पाई सेकंड केस में, तो थ्री पाई भी वैसे ही बिहेव करेगा, फाइव पाई भी वैसे ही बिहेव करेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं था. इसलिए हम जीरो से टू पाई के बीच में ही उसकी वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट एट टी इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल्स टू ए, पार्टिकल इज एक्स इक्वल्स टू ए, व्हाट आर द इक्वेशंस ऑफ एसएचएम? इक्वेशंस बताइए क्या हो जाएंगी एसएचएम की? फाई की वैल्यू बताओ और इक्वेशंस बताओ क्या बन जाएंगी. पाई बाई टू, बिल्कुल ठीक है ना, जो आपकी जनरल इक्वेशन थी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस पे आपने एक्स को ए रखा, टाइम को जीरो रखा, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई टू. और पाई बाई टू वैल्यू आते ही आपकी इक्वेशंस क्या बन गई? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या बन गई बताएगा कोई? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एक्सलेशन हो गया आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी. ठीक है, इन इक्वेशंस का ये फायदा है कि आपसे बोला जाए टी इक्वल्स टू जीरो पे एक्स इक्वल्स टू ए पे था पार्टिकल, तो बताइए टी इज इक्वल्स टू टी बाई फोर टाइम के बाद कहां पे होगा? तो आप सिंपली इन इक्वेशन में वैल्यू पुट करके उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सलेशन, ये सारी चीजें निकाल सकते हो. ठीक है, अब इतने होने के बाद यहां तक समझ में आ गया? एक और, चलो एक और क्वेश्चन कर लो. इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफ द पार्टिकल इज, नेक्स्ट एग्जांपल, एट टी इक्वल्स टू जीरो द पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू एंड मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स,
direction. So tell me the value of phi and the equations. Phi ki value batao aur equations batao. हाँ cos आता है ना तो cos omega t plus pi by 2 नहीं रखोगे velocity में बिल्कुल cos function आता है बेटा तो omega t plus pi by 2 तो cos pi by 2 plus omega t क्या होता है sin omega t right okay चलिए अब इसके लिए बताएं pi by 6 right why not 5 pi by 6 अगर आप यहां पर रख रहे हो x is equals to a sin of omega t plus phi इसमें आपने अगर t को 0 रखा और इसको a by 2 रखा तो sin phi आ गया half sin phi अगर half आया तो phi की क्या-क्या values हो सकती हैं phi की value 0 से 2 pi के बीच में pi by 6 हो सकती है और 5 pi by 6 भी हो सकती है But then we have to check the velocity also. Velocity kya thi? Omega A sin cos of omega t plus phi. So t equals to 0 pe aap agar dekho, to ye ho gaya A omega cos phi. Ab velocity check karke dekho. Pi by 6 rakhoge to velocity positive. So for velocity to be positive, what will be the value of phi? It should be pi by 6. Not 5 pi by 6. Did you get it? सबको समझ में आई ये बात कि phi को हम किस तरह से deal करते हैं? ठीक है? And accordingly फिर आपकी equations change हो जाएंगी. जैसे x क्या हो जाएगा? A sin omega t plus pi by 6. V क्या हो जाएगा? A omega cos of omega t plus pi by 6. And like that. Clear? चलिए. इसको कर लिया हो ये कर लिया बच्चों Okay. तो अब देखिए terms which is related to simple harmonic motion. इसमें जो terms आई हैं अब उसको one by one हम deal करें. जैसे equations पहले लिख लेते हैं. तो equations क्या-क्या आई थी? Equation आई आपके पास. X is equals to A sin of omega t plus phi ठीक है सबसे पहली टर्म इसमें आ रही है x x क्या है displacement इसको बोलते हैं displacement of SHM और displacement क्या होता है displacement होता है आपका mean position से मतलब we consider at mean position we consider displacement as zero and what is the mean position where the net force on the particle is zero तो mean position होती है जहां पर net force zero हो और वहां से जो displacement लिया जाता है उसको आप बोलते हैं x ठीक है तो mean position जैसे ये है उससे जो भी displacement आप लोगे उसको आपको हमेशा कहां से कंसीडर करना है मीन पोजीशन से कंसीडर करना है राइट जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि सपोज करिए कोई भी ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो सकता है जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम्स होते हैं ठीक है स्प्रिंग मास सिस्टम होते हैं स्प्रिंग लगी है किसी मास में मास के साथ और वो एक स्प्रिंग है और उसको मैंने क्या किया उसको मैंने थोड़ा सा खींच के और रिलीज कर दिया ठीक है अब रिलीज कर दिया तो
लेट अस से अगर ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है तो कहां पे इस पे फोर्स जीरो होगा, जहां पे अपनी ये नेचुरल लेंथ पे होगी, जहां पे ये नेचुरल लेंथ पे होगी उस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इस ब्लॉक पे आपको कितने फोर्स मिले, के एक जीरो हो जाएगा, के एक जीरो हो जाएगा मतलब मीन पोजीशन होगी जहां पे ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है। अगर मैंने इसको कुछ इलोंगेट करके और रिलीज किया मतलब वेलोसिटी जीरो, तो जितना भी आपने इलोंगेट किया होगा वो क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जहां पे हमने नेट फोर्स को जीरो लिया है वहीं से हमें x इक्वल्स टू जीरो स्टार्ट करना है। यही स्प्रिंग अगर वर्टिकल होती, इस तरह से सस्पेंडेड होती, तो अब नेट फोर्स इसकी नेचुरल लेंथ पे जीरो नहीं होता। नेट फोर्स कब जीरो होता, जब mg किसको बैलेंस कर रहा होता, इसके इनिशियल कुछ इलोंगेशन को, x नॉट को। तब इस चीज को हम क्या बोलते, इस पोजिशन को हम मेन पोजिशन बोलते। But that is not the case when it is at natural length. That is the case when there is a elongation of x naught, which is mg by k. So, elongation या compression आपको spring mass system के case में displacement नहीं दे रहे हैं। Displacement कौन सा दे रहा है? Displacement हमेशा उस position से measure होता है जहाँ पर net force क्या हो, zero। जैसे इसकी natural length से जो भी जिस position पे भी होगा natural length से आगे पीछे, इस case में first case में वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सेकंड केस में जो इसकी मीन पोजीशन है वो ये वाली कंडीशन के साथ फुलफिल हुई। मतलब अगर इसको मैं फर्दर यहाँ पे सपोज करो x नॉट की वैल्यू थी से 2 सेंटीमीटर और आपने किसी और पोजीशन पे ले गए जिसके लिए इलोंगेशन है 3 सेंटीमीटर, इलोंगेशन बोल रहा हूं, क्या है इलोंगेशन 3 सेंटीमीटर, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी कहलाएगी, SHM की डिस्प्लेसमेंट कितनी कहलाएगी, SHM की displacement 3 नहीं कहलाएगी, कितनी कहलाएगी, mean position से displacement, मतलब 1 centimeter कहलाएगी। Did you get it? बच्चों ये point समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, जहां पर force zero होगा वो आपका reference point होगा displacement को measure करने का, ठीक है। जैसे कि मैंने एक horizontal spring mass system लिया तो जब spring natural length पे है वहां पर force zero है, मतलब जितना elongation या compressions होंगे वही displacements हो जाएंगे। वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम लिया तो जहां पर नेट फोर्स जीरो वहां पर ऑलरेडी कुछ इलोंगेशन था स्प्रिंग में, तो अगर मैं कहूं कि मैं 3 सेंटीमीटर के इलोंगेशन पे गया जबकि इक्विलिब्रियम पे क्या था 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी इलोंगेशन था, इसका मतलब मुझे जो डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा SHM का, वो SHM का डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा इस केस में, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM या फ्रॉम मीन पोजिशन कितना लेना पड़ेगा, इट विल बी से इन दिस एग्जाम्पल 3 - 2 मतलब 1 centimeter ओनली, गेट इट, ओके। सेकेंड टर्म इसमें आती है, बट बिफोर द सेकेंड टर्म यहीं पे हम एम्पलीट्यूड भी डिफाइन कर सकते हैं, तो एम्पलीट्यूड भी डिफाइन कर लें। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है यहां पे, क्या है एम्पलीट्यूड, अभी बताया था, इज नथिंग बट इट इज द magnitude of maximum displacement from mean position. So displacement can be written as positive, displacement can be written as negative. मतलब आप x equals to 0 से left जा रहे हैं मान लीजिए linear SHM में, तो negative लिखेंगे, right जा रहे हैं तो positive लिखेंगे, लेकिन amplitude will never be positive or negative, amplitude हमेशा positive ही होगा। जैसे कि for example अगर मैंने कहा कि for an SHM the amplitude is say 10 centimeter, then find the displacement, find the displacement, maximum and minimum value of the displacement. तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि maximum displacement कितना हो सकता है, plus 10 centimeter, या minimum displacement कितना हो सकता है, minus 10 centimeter, like that. मतलब positions की value plus minus हो सकती है, displacement की नहीं, amplitude की नहीं, amplitude is always the magnitude only, ठीक। तो ये दो टर्म हो गई डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड, एक्स कवर कर लिया ए। अब आते हैं फाइव पे, फाइव पे आते हैं, तो अब देखिए फाइव में क्या हो रहा है,
फाई था इनिशियल फेस, फाई भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, फेस या इनिशियल फेस। तो फाई क्या है, फाई है आपका, इट्स डिपेंड ऑन, इट्स डिपेंड ऑन द इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये कुछ बहुत नॉर्मल सी टर्म्स है, नॉर्मल टर्म है। मतलब फेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी भाई, अब आप देख रहे हो साइन के अंदर क्या आ रहा है, साइन के अंदर दो टर्म आ रही है, एक आ रही है ओमेगा टी, एक आ रही है फाई। तो साइन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो डायमेंशन लेस होगी, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी, है ना। साइन के अंदर तो जो वैल्यू आएगी एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेसिकली फाई भी क्या है, इनिशियल एंगल ही है। फाई क्या है, साइन के अंदर का इनिशियल एंगल है टी इक्वल्स टू जीरो वाला, जो क्या डिफाइन कर रहा है, जो पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसको फेस बोलते हैं। तो फेस का टर्म ही किससे रिलेटेड होता है, फेस का टर्म ही किससे रिलेटेड होता है, आपका एंगल से रिलेटेड होता है। फेस का मतलब एंगल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल फेस या इनिशियल एंगल एट टी इक्वल्स टू जीरो, बाय विच वी विल डिफाइन द अपना रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, और इसकी एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिए। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया था, फॉर एग्जाम्पल कई सारे एग्जाम्पल दिए थे कि अगर आप x इक्वल्स टू जीरो पे देखें, t इक्वल्स टू जीरो पे, x इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फाई आपका जीरो आ जाता है, या x इक्वल्स टू a पे है पार्टिकल एट t इक्वल्स टू जीरो तो फाई क्या आ जाता है, पाई बाई टू। सो वी डिड दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल बिफोर। नाउ थर्ड इसमें आता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिस चीज को हम इनिशियल में ओमेगा स्क्वायर को एज अ पॉजिटिव कांस्टेंट लेके चले थे, वो यहां पे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्यों, देखें अब जैसे मैंने कहा कि साइन के अंदर जो टर्म आ रही है वो क्या है, एंगल है, तो ओमेगा टी भी क्या है, ओमेगा टी भी एंगल ही हुआ ना, ओमेगा टी भी एंगल ही हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल जो SHM कर रहा है, एक पार्टिकल जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन की कंडीशन क्या है कि एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम उसको क्या करनी चाहिए, अपनी पोजीशन और नेचर रिपीट करना चाहिए। अब सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए टी इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू जीरो पे था, तो अगले टी टाइम के बाद दोबारा क्या होगा, वो फिर से x इक्वल्स टू जीरो पे होगा विद द सेम नेचर। हाँ एक मिनट यश, हाँ बच्चे पूछो। ऐसा जरूरी है कि हर बार एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, या मतलब कम ज्यादा कम हो सकता है? नहीं, एम्पलीट्यूड तो तुमने क्या लिखा है, एम्पलीट्यूड तो ये लिखा है ना कि a लिखा है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, वो तो डिपेंड करता है। मतलब सर SHM हो रहा है सर एक बॉडी का, सर पहले वो दूर तक गई, फिर थोड़ा सा कम गई, फिर नहीं, लेकिन फिर फॉर वो SHM नहीं हुआ ना, फिर वो सर ये सुनो, SHM की SHM की कंडीशन क्या है, SHM की कंडीशन है एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मान लीजिए जैसे मैंने ये स्प्रिंग मास सिस्टम ही लिया, सपोज अब स्प्रिंग मास सिस्टम लिया आपने और इस पर फ्रिक्शन लग रहा होता, तो अब क्या हो रहा होता, एक बार तो ये मान लीजिए आपने किसी x equals to a से छोड़ी, अब अगली साइकिल में ये हो सकता है a by 2 तक ही जाए, अगली साइकिल में ये a by 3 तक ही जाए, अगली साइकिल में ये a by 4 तक ही जाए, है ना। तो अब यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, लेकिन क्या उसके लिए एक्सेलेरेशन माइनस x के प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों, क्योंकि उस पर तो एक और फोर्स लगने लग गया, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन फुलफिल होगी जिसमें x क्या हो, माइनस x के प्रोपोर्शनल हो, उस हर केस में एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट ही होगा, जाता ही रहेगा। या फिर आप कुछ और मीनिंग से उसकी वेलोसिटी चेंज कर दो या कुछ कर दो, मान लीजिए जैसे कि ये ब्लॉक ऐसे ऐसे SHM कर रहा था, अब जैसे ही ये मेन पोजीशन से पास हुआ मैंने एक और दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर रख दिया तो कुछ और फोर्स काम करे, मोमेंटम कंजर्व हुआ, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो गई, अब ये लेस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करने लगेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन एज फार एज अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है जो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, तब
ये हर साइकिल में अपने आप को बार बार सेम एम्पलीट्यूड से रिपीट करेगा, बार बार सेम टाइम पीरियड सेम एम्पलीट्यूड सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम फेज से रिपीट करेगा, ठीक है? यस सर। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि x इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल्स टू जीरो पे पार्टिकल था, और टाइम t के बाद ये दोबारा कहां पे आया, उसी पोजीशन पे आया। तो टाइम t का मतलब समझो, टाइम t का मतलब होता है पूरा टाइम जो उसने कहां से कहां तक लिया, यहां से लेके यहां तक नहीं, x इक्वल्स टू जीरो पे यहां पे था, x इक्वल्स टू जीरो पे वापस यहां पे, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटीज अपोजिट है। मैंने कहा पोजीशन भी सेम होनी चाहिए और नेचर भी सेम हो जाना चाहिए, नेचर का मतलब वेलोसिटीज भी, पैरामीटर सारे। तो पूरी साइकिल कब कहलाएगी? जब यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके वापस उसी पोजीशन पर पहुंचे, ये आपकी पूरी साइकिल कहलाएगी, यहां से लेके यहां तक और यहां तक। इसमें जो टाइम पीरियड लगा, इसमें जो टाइम लगा, उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, जो किससे डिफाइन होता है? टी से डिफाइन होता है। तो टी से अगर टाइम पीरियड डिफाइन हुआ, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड पर यूनिट टाइम, तो आप फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हो? 1/T। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? 1/T। एंड सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो जब एंगल लग जाता है, जब एंगल लग जाता है इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 2πf। 2πf, 2πf का मतलब हो गया 2π/T। अब इस एक्सप्रेशन में भी आप देखो, ओमेगा टी क्या दे रहा है मुझे? एंगल दे रहा है, साइन के अंदर ओमेगा टी आ रहा है, तो एंगल ही मिल रहा है ना मुझे। तो एक साइकिल में ये एंगल कहां से कहां तक चेंज होना चाहिए बच्चों? एक साइकिल में पूरा ये एंगल कहां से कहां तक चेंज होना हो जाना चाहिए? 2π। इसका मतलब अगर ओमेगा टी को अगर मैं 2π कहना चाहूं, तो मैं ये कह सकता हूं ना, इस टी टाइम में, टी टाइम का मतलब टाइम पीरियड में, ये कितना चेंज होना चाहिए? 2π। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहां पे ओमेगा क्या आ रहा है? 2π/T आ रहा है, और 2π/T क्या होता है? 2πf। 2πf का मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो ओमेगा की टर्म इस एक्सप्रेशन में यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल्स टू 2πf और 2π/T। गेटिंग इट? सबको क्लियर है? ठीक है, सारी टर्म्स हमने समझ ली। फाई इनिशियल फेज, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, राइट? ये सारी चार टर्म्स आपके पास, पांच टर्म यहाँ पे डील करनी थी आपको। ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2π। मैं आपसे, आपने जब मुझे बोला था कि सर फाई की वैल्यू आपने 2nπ क्यों नहीं ली, तो मैंने क्या बोला कि हर बार साइकिल एक पूरी रिपीट होगी, तो हर बार वो 2π का ही तो डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास फेज आया था π/6, तो दोबारा जब वो घूम के उसी पॉइंट पे आएगा, तब अगली वैल्यू क्या आनी थी? 2π + π/6। तो हर साइकिल में जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो कितने से चेंज हो जा रही है? 2π से। अब आप फाई नॉट बदल नहीं सकते, आप ए बदल नहीं सकते, आप एक्स बदल नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? ओमेगा टी हर एक पूरी साइकिल में कितना अमाउंट से चेंज हो रहा है? ओमेगा टी पाई से चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई 2π/T, वो आपकी इस एक्सप्रेशन में ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एक्सप्रेशन का ओमेगा भी उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यश वंश क्या पूछ रहे हो? सर अगर SHM शुरू हो गया तो कभी रुकेगा नहीं? यस, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नहीं रुकेगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपने एक पेंडुलम लिया और उस पेंडुलम को आपने मान लीजिए साइड करके और छोड़ दिया और वो हमेशा चलता रहे। क्यों? क्योंकि इन जनरल आप जब देखोगे तो डिसिपेटिव फोर्सेस भी लगेंगे, कुछ एयर फ्रिक्शन लग रहा होगा, कुछ जो भी एयर होगी उसकी विस्कोसिटी होगी, जो भी चीज है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा होगा? उनकी वजह से वो रुक जाएगा। या आपने स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, मैंने एक स्प्रिंग पर एक ब्लॉक को रख के उसको खींचा और छोड़ दिया, तो वो भी क्या करेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन वो फाइनली रुक जाएगा। तो इन जनरल आप ऐसे नहीं देख पा रहे हो कि वो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन हाँ अगर थ्योरी के हिसाब से देखें, अगर हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन में देखें, जब फ्रिक्शन नहीं है, जब डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है उसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और उसकी मोशन भी कंटिन्यूस फॉरएवर रहेगी। गेटिंग इट? उसकी कंडीशन
फॉर एवर रहेगी. ओके चलिए, सो दैट्स इट. दिस इज अबाउट दी. अब कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं, ठीक है? और क्वेश्चंस थोड़े से, तो लेट मी ओपन दिस. आई एम जस्ट स्टॉप स्ट्रीमिंग. ठीक है, थ्योरी पार्ट हो गया है.